यावद्भागीरथी गंगा यावद्देवो महेश्वरा यावद्वेदाः प्रवर्तन्ते ता पधारे। मैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप एक एक पधार कर मंच पर विराजे। जयपुर सिंह जी कोला का अजय पाल सिंह जी गिरवर सिंह जी सुरेंद्र सिंह जी अजीत सिंह जी मोहन सिंह जी राजपुरोहित पाटोदी भट साहब देवराज सिंह साहब सदस्य जो यहाँ बता रहे हैं उनसे उनका नाम नहीं ले सके वो बता रहे हैं बड़ा बना है। बॉम्बे से बता रहे हैं राजपुर समाज के अध्यक्ष श्री रघुनाथ सिंह जी नारायण सिंह जी साहब कलावर सर मैं डॉक्टर समर्थ सिंह से निवेदन करूंगा कि वो मंच में पधारे और आज का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर साहब मैं आपके समक्ष मंदिर में हुए विकास कार्यों का विवरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। मंदिर की सेगियाँ सीढ़ियों के विस्तारीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है। हवन कुंड के निर्माण में पत्थर का कार्य तथा बिजली फिटिंग की पाइप लगाने का कार्य पूर्ण हुआ। हवन कुंड की सीढ़ियों के निर्माण के लिए फाउंडेशन बढ़ाई तथा सीढ़ियों की चुनाई का कार्य पूर्ण हुआ। स्टाफ क्वार्टर का कार्य लगभग 95% पूर्ण। देवस्थान विभाग धर्मशाला तथा सुरख कॉम्प्लेक्स धर्मशाला का कार्य 90% पूर्ण हो चुका है तथा सुरख कॉम्प्लेक्स में शौचालय स्नानघर का पूर्णता की ओर अग्रसर है। नीम के पेड़ों के नीचे चौकियां नीम और बड़ पीपल के पेड़ों के नीचे चित्र के पत्थर से 14 चौकियां बनाई जाकर 24 बेंच लगाई गई है। धर्मशाला में स्थित प्याऊ की चौकियों का विस्तार किया गया। अध्यक्ष जिला के दरवाजों की दीपक लगी खिड़की की चौखटे व दरवाजों के स्थान पर लोहे की चौखटे तथा नए दरवाजे लगवाए जाकर रंग रोगन करवाया गया। बल्कि फर्श तथा दरवाजे खिड़कियाँ लगवाने का कार्य पूर्ण किया गया है। चाय कैंटीन श्री नाथू सेन भाटी एरिया को एक वर्ष के अनुबंध पर दी गई। आय व्यय दिनांक 1 अप्रैल 2021 से 31/2022 तक आए 5,33,55,005 व्यय 3,71,20,198 बैंक में जमा 1,79,12,075 सावधि जमा 1 करोड़ रुपये। श्री भवानी सिंह का सतचंडी यज्ञ APS टेक्सटाइल मिनिस्टर भारत सरकार श्री भवानी सिंह जी द्वारा नवरात्रि में 9 दिन तक अपनी तरफ से सतचंडी यज्ञ अनुष्ठान करवाया जा रहा है। मंदिर की तरफ से पूजा अनुष्ठान पूर्व की भांति पंडित श्री शिव प्रसाद दवे और उनके सहयोगी पंडितों द्वारा मंदिर की तरफ से पूजा अनुष्ठान करवाया जा रहा है। नवरात्रि में 9 दिन तक यजमान श्री जय सिंह राठौड़ निवासी खातीपुरा जयपुर में 9 दिन तक यजमान माता जी की पूजा अनुष्ठान में यजमान है। भोजन प्रसादी बुकिंग माता जी के भक्तगणों द्वारा 9 दिन तक सुबह शाम की प्रसादी का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से मां नागणा के कार्यों का बाप जी उपम विजयनेश और महाराणी साहब के आशीर्वाद से हम सब मिलकर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि नागड़ा मार ट्रस्ट एक ऐसा धाम बने जो दुनिया और की नज़रों में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के सहयोग से
ये गति और अच्छी पकड़ेगी और बहुत सुंदर स्थल यहाँ निर्माण होगा। धन्यवाद। प्राप्त हुआ है यहाँ पे सचंडी महायज्ञ करवाने का। जैसा कि अभी आपने बताया था कि मंदिर निर्माण से पूर्व एक बार हुआ था और इस बार भगवती की ऐसी अनुकंपा से मुझे ये सौभाग्य मिला है। साथ में जब यहाँ आया देखा, जब मैं काफी समय पहले यहाँ एक बार पधारा था तब इतना विकास कार्य नहीं हुआ था और अभी आप सब लोगों के सहयोग से जिस गति से विकास कार्य आगे बढ़ रहा है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान के अंदर देवी मंदिर इससे सुंदर नहीं हो सकता। भगवती अगर असीम अनुकंपा रही तो आने वाले वर्षों में, आने वाले 2-3 वर्ष बाद में, मैंने मास्टर प्लान भी देखा था, मास्टर प्लान के अनुरूप अगर सारा कार्य होता है तो उसके पश्चात ये राजस्थानी भी अपनी भारत भूमि का सबसे भव्य देवी मंदिर होगा, ऐसी मां नागनी जैसे मेरी कामना है। एवं माँ भगवती के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी को वापिस अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अब आपके सामने जो इस मंदिर में भामाशाह जिन्होंने अपने तन मन धन से अच्छा सहयोग किया है उनका सम्मान करने के लिए मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि वो मुख्य अतिथि के पास में पधारे। देवेंद्र सिंह जी, भूपाल सिंह जी, रेणु श्री नरपत सिंह, अचक सिंह जी, कलावत सर बाड़मेर, श्री नैन सिंह जी, इस मंदिर ट्रस्ट मान्य किया जा रहा है, श्री देवी सिंह जी, मालम सिंह भोजनशाला प्रभारी, श्री देवी श्री ओम सिंह, सवाई सिंह स्टोर कीपर, देवी सिंह जी, कुछ नकदी थी लेकिन इन्होंने ईमानदारी का परिचय देते हुए अपने ऑफिसर देवी सिंह के पास में बैग जमा कराया और ऑफिस में इतना की ताकि उस बैंक के पास वापस वो बैग जा सके। श्री चित्तर सिंह, भंवर सिंह, इलेक्शन बिजली का काम कर रहे हैं, श्री चित्तर सिंह, इन्होंने अपनी ओर से मंदिर में अच्छी से अच्छी सेवा दे रहे सिंह गणपैन, श्री मनोहर सिंह, रूप सिंह गनमैन, इनके यूनिफॉर्म वर्दी पहनी हुई उस हिसाब से गनमैन है और अपनी अच्छी सेवा यहां दे रहे हैं, श्री आईदान सिंह, सरदार सिंह गार्ड, श्री खुशाल सिंह, करण सिंह जी, श्री भोम सिंह, तखत सिंह, श्री भोम सिंह, तखत सिंह साहब, देखो साहब, श्री विकास गणपत राम धरती, श्री केसर सिंह, बुद्ध सिंह, श्री विजय सिंह, जालम सिंह, आज इस शुभ अवसर पर मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर मिला, इसके लिए मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ। दो हजार के बाद में जब ये ट्रस्ट का काम आगे बढ़ा और धीरे धीरे जो पिछले 21-22 साल की जो ये यात्रा है
इसमें मैं ये मानता हूँ कि उमेश सिंह जी साहब की सबसे बेहतरीन भूमिका है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक साल के भीतर ये काम पूरा होगा और सभी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण होगी। और मुझे लगता है कि राजस्थान के श्रेष्ठ मंदिरों में से एक होगा। शिल्प कला की दृष्टि से देखा जाए या धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो देवी माँ नागरी जी का ये मंदिर आने वाले समय में बहुत श्रेष्ठ धाम होगा। इस ट्रस्ट के सब कर्मचारीगण जो दिन रात मेहनत करके अपना योगदान दे रहे हैं, बस हमेशा हो इन सबका मैं धन्यवाद देता हूँ अपने हृदय की अनंत गहराइयों से। बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित थे नागनेशी माता का जो है ये एक तरह से जो स्वरूप है वो पूरे भारत में कर्नाटक कश्मीर सब जगह पर उनका दर्शन होता है। कई कई अलग अलग नाम से जैसे मैसूर में महिषासुर मर्दिनी के नाम में जो 18 भुजा वाली है ये सबसे बड़ा राक्षस महिषासुर को वध करने वाली भी माता जी थी। और चक्रेश्वरी माता और नागनेशी माता सभी अलग अलग रूपों में उनका नाम जो है वो पूरे भारत में माता जी का जो चमत्कार है। विशेष रूप से यहाँ पर हमारे ये एक परंपराओं का निर्वाह करना, देखिए कि महाराजा गज सिंह जी के संरक्षण में विशेष रूप से ये पूरा मंदिर की व्यवस्था चल रही है। और उमेश सिंह जी आरावा जो है उनका बहुत अच्छी व्यवस्था बहुत सुंदर व्यवस्था बना के और इतने सालों में बहुत अच्छा विकास किया है। हमारे समरजीत सिंह जी भी देखिए कि परंपराओं को निर्वाह करने वाले ट्रस्ट में ट्रस्टी भी है। और साथ में यहाँ पर बहुत लोग सभी सबका सहयोग इसमें प्राप्त होता है। इस सबके सहयोग से विशेष रूप से जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता है जितने भी कर्मचारी है हमें यहाँ का बारे में जानकारी नहीं था। ईश्वर सिंह जी ने गौराणी वाला ने यहाँ पर पहले प्रथम बार हमें दर्शन यहाँ पर करवाया। आवर से हमारे माजी सभी यहाँ पर आए हैं। तो मेरा ये है कहने का कि जैसे हमारा नवरात्र के अवसर पर जो है कि प्रथम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी द्वितीय चंद्र घंटे की कुष्मारी चतुर्मा जिसका पद्म माता थी षष्ठम कायत्यायनी सप्तम कालरात्रि आज जो है कालरात्रि का दिवस है। और ये माता जी अलग अलग रूपों में जैसे मान लीजिए कि महिषासुर को मारने के लिए उन्होंने जो है भैंस का रूप भी धारण किया, नाग का रूप भी धारण किया, कई रूपों में राक्षस के राक्षसों को वध करने के लिए वो कई रूपों में कई स्वरूपों में माता जी जो हमेशा से। और भगवान शंकर के जो है एक तरह से माता जी जो है वो हमेशा से अर्धांगिनी के रूप में रहती है और उनका माँ शक्ति का माँ पार्वती के अलग अलग रूपों में उनका दर्शन होता है। और विशेष रूप से कलयुग में जैसे हनुमान जी है और माँ भगवती माता है ये सभी के कष्टों को निवारण करने वाली है कि एमएम चिंतितम तम तम प्राप्तम निश्चितम ये जो है कवच में आया कि माता जी की जो भक्ति है जो उनकी उपासना है वो जैसे भी हम लोग करें वो पूरा रूप से निश्चित रूप से ये सर्व मंगल मांगली शिवी सरोवर शादी के शरण्य क्रम के गौरी नारायणी नमस्तुते तो सबका जो है सभी सर्वजनों का कल्याण करने वाली है वो माँ भगवती है। और इसमें नवरात्र के अवसर पर ओम है मरिंग कलिंग चामुंडा विचे इसमें महाकाली महा सरस्वती महालक्ष्मी तीनों देवियों का स्वरूप उसके अंदर में है बीज मंत्र बोलते हैं। ये सभी लोगों को जाप करने से बहुत से प्रकारों का जैसे मान लीजिए कि 3 वर्षों के बाद में अभी बहुत बड़ा कोरोना भारत में था और ये भारत सरकार ने घोषणा किया कि 31 मार्च को जो है पूरा देश से भारत से कोरोना समाप्त होने का घोषणा किया था। साल में जो है करीब 4 नवरात्र आते हैं 2 गुप्त रहते हैं 2 प्रकट है। और ये जो नव वर्ष है हमारा भारत का जो नव वर्ष होता है एक वैदिक सनातन हिंदू धर्म का जो है नव वर्ष है चैत्र शुक्ल पक्ष में जो प्रारंभ होता है उसमें देखिए कि हमारा जो पेड़ है वृक्ष है पौधे हैं सब लोग अपने कपड़े को बदलते हैं जिससे नया वस्त्र को धारण करते हैं। तो नया वर्ष उसको को है कि मूल प्रकृति भी परिवर्तन हो जाती है ये नया वर्ष के रूप में प्रकृति भी परिवर्तन होती है और वो भी नया वस्त्रों को धारण करती है। तो निश्चित रूप से माता भगवती का जो चैत्र शुक्ल पक्ष है उससे जब हम लोग उपासना शुरू करते हैं
और शक्ति को अर्जित शक्ति अर्जित करते करने के लिए शक्ति को प्राप्त करने के लिए, जैसे कि हमारे ये भवानी सिंह जी अपने इधर जिन्होंने संचंडी यज्ञ किया तो बोल रहे थे कि भाई यहाँ पर बहुत अच्छा विस्तार जो है माता जी का हमेशा से यहाँ कितना सुंदर और भारत से भी अच्छा स्वरूप में ये पूरे राठौड़ों का कुल देवी है ऐसा, और ऐसे भी कोई भी उसमें क्या है कि बहुत से जैसे हमारा यहाँ पर बोला जाता है कि वो ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो वैश्य हो समस्त हिंदुओं के लिए माँ का रूप तो एक ही सभी सबके लिए उपयोगी होता है। आप लोग बोलते भी हैं कि इसके अंदर में कि गोत्र जो होता है वो ब्राह्मण का गोत्र भी हो सकता है क्षत्रिय का गोत्र भी हो सकता है एक दूसरे का गोत्र आपस में मिलता भी है। बहुत से जगह पर आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में वशिष्ठ गोत्र में जो है वो ब्राह्मण है, राजस्थान में बहुत से बारपेड़ वगैरह में क्षत्रिय भी वशिष्ठ गोत्र में है। तो वो ये कहते हैं कि हम लोग आपस में जब बोले जाते हैं तो कहा जाता है कि 36 कोम। आप लोग कभी भी बहुत बार देखते होंगे कि 36 कोम क्या है, बहुत बार चिंतन होता है कि 36 कोम क्या है। हम लोग जातियों में अलग अलग तो एक जाति में कितनी जातियाँ निकल जाती है, राठौड़ों में बहुत सारी जातियाँ हैं, हर एक जाति में बहुत सारी जातियाँ हैं, परंतु ये कहा जाता है कि चंद्रमा के जो है वो 10 पुत्र है, सूर्य के 10 पुत्र, ऋषियों के जो है 12 पुत्र, ये हो गए 32, और अग्नि जो अग्नि के रूप में प्रकट किया था तो अग्नि वंश के जो है 4 पुत्र बोले जाते हैं, तो ये 36 हो जाती है। तो इसको बोलते हैं 36 कौम। तो ये सारे जो हिंदू समाज है एक तरह से 700 साल जो है यहाँ पर करीब मुगलों का राज और 200 अंग्रेज 1000 साल गुलाम रहने के बाद में भी हम लोग आज भी एक युग में है। ये बीच में जितने भी जो कालखंड आया उसमें जो मुगलों का काल था तो उसमें बहुत से प्रकार के मतभेद डाल दिया, छुआछात की जो परंपरा डाल दिया वो कभी भी वैदिक शांति धर्म में ये नहीं था। हमेशा से पहले प्राचीन समय में हम लोग के गांव के अंदर देखते थे कि सबसे पहले हमारे माता जी बोलते हैं कि भील का जो है भील है उनका जो भीलनी है उनको बहन मानो, उनका बहन छू के आओ, होली पर दिवाली पर कुछ कपड़े दे के आओ, वस्त्र दे के आओ। तो हमारे यहाँ पर कभी भी इस प्रकार का नहीं है। ये इतने वर्षों में और उसके बाद में जो 70-80 वर्ष में जो भी राजनीति आई उसने बहुत से जातियों को जो गांव एक गांव में दो सरपंच आपस में लड़ाना झगड़ा करना आपस में लड़ाना तो लूट तंत्र, ये लोकतंत्र का दूसरा नाम है लूट तंत्र। तो कभी भी क्षत्रिय ने जो हमेशा से समन्वय बना के रखा, क्षत्रिय जाति ने हमेशा भारत में समन्वय बना के रखा और एक परिवार के रूप में सबको न्याय दिया, सबके साथ में हित किया, तो उन्होंने सबका संरक्षण के रूप में उन्होंने हमेशा से जो परंपराओं को शाश्वत रूप से रखा। परंतु बीच में जो है इस तरह से व्यवस्थाएं जो कुछ आई जिनका जो है उन्होंने कुरीति पैदा किया, कभी भी उन्होंने जो है आपस में लोगों को प्रेम भाव वगैरह, ये हमारे महाराज जी बहुत सिद्ध संत हैं जो हमेशा जाप भी करते रहते हैं पूजा पाठ करते रहते हैं, क्षेत्रीय संत है और हमारे गोपाल महाराज जी नित्य गोपाल इनका नाम भी नित्य गोपाल राम है, ये भी बता रहे इनका भी आपका नंदी से नाम में स्वागत है और आसन बिठाइए इनका महाराज जी नित्य गोपाल दास जी महाराज आगे आगे और महाराज कैसे बैठी बैठी बहुत अच्छे संत है हमारे और बड़े ही खुशिया साधना में रहते हैं सिवाना में। मैं देखता हूँ कि कभी भी कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं और कोई भी बात माता हो बहन हो कोई भी उनका हमेशा नजर दिखी झुकी रहती है, भगवान का जाप तब साधना भी लगे रहते हैं और इनका नाम भी देखिए कि नित्य गोपाल, ये नित्य गोपाल के आनंद में रहते हैं तो हम इनका स्वागत करते हैं अपना तरफ से। तो मैं ये कह रहा था कि भारत भूमि हमेशा से सबका कल्याण और माँ जो होती है वो समस्त जीवों का कल्याण करने वाली है और माँ के लिए कोई भी अप्रिय नहीं होता है, सब प्रिय है, सब एक समदृष्टि होती है। बहुत से लोग यहाँ पर उपस्थित है जिनका नाम मैं नहीं जानता हूँ उनका भी हम लोग जो है अपने मन से हृदय से माँ का आशीर्वाद, क्योंकि हम लोग तो कोई शक्ति नहीं है कि अपना आशीर्वाद दे सके तो माँ का आशीर्वाद जो है उनको प्राप्त हो माँ भगवती का। ये माँ ऐसी है जो नागरी माता जिसके अंदर में 9 दुर्गाओं का रूप भी है और 10 माँ विद्या जिसको त्रिपुरा सुंदरी बोलते हैं, त्रिपुरा सुंदरी के तीनों देवताओं का भी वास इनके अंदर है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शक्तियाँ जो है उनके अंदर तीनों शक्तियों का भी वास है, तीनों के रूप में वो देवी जो है वो विराजमान है। ये माता जी जो है नागरेशी माता ये बहुत बड़ा शक्ति है। ये हफ्ते से हमेशा से आप लोग उपासना जो है माँ का करेंगे तो निश्चित रूप से आप क्या है कि हम लोग माता को क्या दे सकते हैं, माँ से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, तो माँ का आशीर्वाद सबको मिले ऐसे शुभकामनाओं के साथ में अपनी वाणी प्रोग्राम हरिओम जय हो हर हर। आज बहुत ही अच्छा दिन है कि सप्तमी के दिन माँ के चरणों में अपन दर्शन करने के लिए आए हैं और जिस तरीके से इस मंदिर का निर्माण और इसकी भव्यता दिनों दिन बढ़ती जा रही है
हम आशा करते हैं कि ये राजस्थान का एक बहुत ही श्रेष्ठ स्थान बनेगा और माता जी के मंदिरों में एक बहुत बड़ा मंदिर बनेगा और राठौड़ कुल देवी का जिस तरीके से राठौड़ों की कुल देवी होने का इतने सालों बाद में इस निर्माण होने के बाद जो भव्यता ये मंदिर ले रहा है तो बहुत ही सम्मानजनक बात है। आप सब यहाँ पधारे इसके लिए बहुत बहुत आभार संतों को फिर नमन करते हुए हमने Gracias.